बिस्मिल उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर इलेवन दैट वॉज द एनवायरमेंट हमने अब तक पढ़ा कि एनवायरमेंट क्या होती है इनवायरमेंट के कौन कौन से कॉम्पोनेट्स हैं जिसमें हमने लिविंग कॉम्पोनेंट्स भी पढ़े और नॉन लिविंग कॉम्पोनेट्स भी पढ़े हमने उनके आपस की इंटरक्शन देखी जिसको हमने इको का नाम दिया और इससे बिल्कुल पहले लेक्चर में हमने एक नई टर्म पढ़ी दैट वॉज फूड चेन हमने देखा कि फूड चेन में किस तरह एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरकनेक्टेड है आज हम इसी के बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे तो आइए शुरू करते हैं तो हमारा टॉपिक है फूड वेब मैंने आपको ये बताया कि जब डिफरेंट फूड चेन्स आपस में कनेक्ट करती हैं तो वो बनाती हैं फूड वेब इसको वेब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देखने में एक जाल की तरह का होता है मतलब वेब की तरह का जैसा मैंने आपके सामने भी बनाया अब जो फूड चेन होती है वो सिर्फ लीनियर होती है एक ही लाइन में होती है मगर जो फूड वेब होता है वो इन डिफरेंट लाइन को कनेक्ट करके बनता है यहाँ पर क्या लिखा है मैं आपके लिए रीड करती हूँ Every organism is involved in several food chains that gives a complete picture of feeding relationships between plants and animals. Every organism is involved in several food chains. Number one, the point hai, that is, they are connected, they are linked with several food chains that gives a complete picture of feeding relationships between number one plants and number two animals. हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आपस में एक से ज्यादा फूड चेन के साथ कनेक्ट करते हैं और ये जो फूड चेन है ये हमें बताती है कि क्या रिलेशनशिप है इनका आपस में ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप या फीडिंग प्रैक्टिस किस तरह एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपनी फीडिंग प्रैक्टिस केवल बोते पर डिपेंड कर रहा है मतलब एनर्जी सोर्स जो है उसकी किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करती है यहाँ प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि प्लांट्स को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं जबकि जो एनिमल्स हैं उनको हमने कहा कंज्यूमर्स क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स को को या डिफरेंट अदर एनिमल्स कंज्यूम करते हैं और अपनी एनर्जी वहां से लेते हैं यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक फूड वेब बनाया है जिसमें डिफरेंट फूड चेन्स आपस में कनेक्ट कर रही है पहले हम देखते हैं कि फूड चेन्स इसमें कौन कौन सी है नंबर वन इज टिस लेटिस को कंज्यूम करते हैं वार्म और वर्म्स को कंज्यूम करती है स्पैरो और स्पैरो को कंज्यूम करता है हॉक इसका मतलब के पर जाकर, lettuce, hawk, हमारी एक लीनियर फूड चेन बनती है सेकेंड फूड चेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रास ग्रास खाता है रैबेट और रैबेट को खाता है फॉक्स तो जो सेकेंड फूड चेन है इट स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रास एंड एंडिंग एट फॉक्स इसके बाद जो थर्ड फूड चेन है वो स्टार्ट कर रही है ग्रेन से डिफरेंट ग्रेन जो है उनको कंज्यूम करते हैं माउस या फिर रैट और रैट को आगे से स्नेक कंज्यूम करता है स्नेक को हॉक जो है कंज्यूम कर सकता है क्योंकि जो डिफरेंट स्नेक्स होते हैं उनका हॉक शिकार करता है या तो हमारा एक फूड चेन यहाँ आकर एंड कर रहा है एक फूड चेन इधर आकर हॉक पर दो फूड चेन आपने देखा कि एंड कर रहे हैं और एक फूड चेन बिल्कुल लीनियर सा बीच में मौजूद है जब हमने इन तीन फूड चेन्स को आपस में कनेक्ट किया तो एक वेब बन गया जिसको हम कहते हैं फूड वेब अब ये आपस में कनेक्ट किस तरह से हुए आइए देखते हैं लेटर्स जो मैंने आपको बताया कि वार्म कंज्यूम करते हैं ये लेटर्स जो है ये रैबिट भी कंज्यूम करता है ग्रास जो मैंने बताया कि रैबिट कंज्यूम करता है ये ग्रास वार्म भी कंज्यूम कर सकते हैं ग्रास माउस भी कंज्यूम कर सकता है और रैपिड जो है वो ग्रेन भी खाता है इसका मतलब कि ये एक लीनियर चेन आपस में कनेक्ट हो रही है अब वॉन्ड जो है वो स्पैरो खाती है स्पैरो को हॉक भी खाता है और फॉक्स भी स्पैरो का शिकार कर सकता है यहां पे मैंने बताया कि ग्रेन रैबिट खाता है रैबिट को फॉक्स खाता है आपने यहां देखा कि ग्रास कनेक्ट कर रहा है माउस से माउस स्नेक से और स्नेक कर रहा है हॉक के साथ कनेक्ट अब आपने देखा कि तीन फूड चेन्स को यहाँ पर हमने कनेक्ट करके एक फूड वेब बनाया अब हमें कंप्लीट पिक्चर मिल रही है ऑफ द फीडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ डिफरेंट प्रैक्टिस ऑर्गेनिजम यहाँ पर हर फूड चेन स्टार्ट हो रही है फ्रॉम अ प्रोड्यूसर जिसको हम कहते हैं प्लांट और एंड कर रही है ऑन अ प्रीडेटर मतलब अ कंज्यूमर जो कि किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को या एनिमल को प्रे करके उसका शिकार करके उसको कंज्यूम करेगा ताकि वो अपना पेट भर सके या फिर अपने इन्फेंट्स को यंग वंस को खाना दे सके यहाँ पर आपने फूड वेब समझ लिया हम एक और बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल फूड वेब की पढ़ेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए अब यहाँ पर लिखा हुआ है नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्ज इज कॉल्ड फूड वेब जो मैंने अभी आपको पिछली एग्जाम्पल में डिस्कस करके एक्सप्लेन किया कि जितने फूड चेन्स आपस में कनेक्ट करते हैं वो कनेक्ट करके बनाते हैं फूड वेब यही बात यहाँ लिखी है दैट डिफरेंट नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स मेक अप अ फूड वेब अब यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल सी एक एग्जाम्पल बताई है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने जो पीछे रिलेशनशिप पढ़ा है वो किस तरह से फॉर्म होता है स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रास ग्रास सिर्फ रैबिट नहीं खाता ग्रास और बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स या और बहुत ज्यादा एनिमल्स खाते हैं तो ग्रास जो है वो एक प्रोड्यूसर है और ग्रास से बहुत ज्यादा फूड चेंज जो है वो इनिशिएट होती है मतलब स्टार्ट होती है यहाँ पर दो स्टार्ट हो रही है नंबर वन इज फ्रॉम ग्रास टू माउस की ग्रास जो है वो माउस कंज्यूम करता है नंबर टू ग्रास जो है वो रैबिट कंज्यूम करता है माउस को स्नेक खाता है रैबिट को हॉक खाता है जबकि स्नेक का भी शिकार हॉक कर सकता है हमने देखा कि किस तरह से एक सर्कल बन गया यहाँ हम कह सकते हैं किस तरह से एक इंटरकनेक्टेड चेन बन गई ऑफ टू फूड चेन्स पहले हमने तीन फूड चेन की एग्जाम्पल के साथ पढ़ा था यहाँ हम पढ़ रहे हैं नंबर वन एंड नंबर टू टू फूड चेन्स की एग्जाम्पल के साथ जिसको इनिशिएट कर रहा है एक ही चीज दैट इज आवर प्रोड्यूसर ग्रास ग्रास से इनिशिएट हो रही है दो फूड चेन्स और फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट करके बना रही है फूड वेब अब जरूरी नहीं कि इतना बड़ा वेब हो जैसा हमने पिछले बोर्ड पर पढ़ा। अगर इतनी भी चेन एक किया गया एक स्कूल के अंदर ताकि वो देख सकें आपस आप में फीडिंग रिलेशनशिप क्या है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का अब उन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को अपने इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया वो मैंने आपके सामने लिखे हैं नंबर वन इज अ वुड नंबर वू इज सेंटीपीड नंबर थ्री इज मिलीपीड एंड नंबर फोर इज डेड लीफ डेड लीफ तो आपको समझ आ गया इससे ऊपर तीन ऑर्गेनिजम्स है वुड लाउस जो है वो एक क्रिस्टेशन है जो कि एक इनवर्टिब्रेट एनिमल की डिविजन में आता है ये जो है इसका एक एक्सोस्केलेटन होता है एक शेल मौजूद होती है इस ऑर्गेनिज्म के पास या हम कह सकते हैं इंसेक्ट के पास क्योंकि देखने में ये छोटा होता है और आप इसको कह देते हैं कि ये कोई कीड़ा है तो मैं आपको बता दूं कि वुड लाउस ऐसा कीड़ा है जिसके पास एक एग्जोस्केलेटन है उसके पास ढेर सारी लेग्स मौजूद होती हैं और जरूर इसके पास कोई ना कोई शेल होती है जिसको हम चौकी शेल कहते हैं क्योंकि देखने में लगता है जैसे कि वो चौक से बनी हो सेकेंड इज सेंटीपीड एंड थर्ड इज मिलीपीड सेंटीपीड और मिलीपीड की कैटेगरी में आते हैं जो कि अगेन हमारे इनवर्टिट एनिमल्स हैं। अब ये दोनों जो हैं, इनकी भी बहुत लेग्स होती है, ये एक लंबे की शेप में होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑर्गेनिजम है नो डाउट दैट द लास्ट ऑर्गेनिज्मेड लीफ दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट तो आपने जरूर इसको भी साथ लेके चलना है तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑर्गेनिजम्स है जिसकी हम आपस की रिलेशनशिप देखेंगे देखते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट किन स्टेप्स में किया आपके सामने स्टेप्स लिखे गए हैं नंबर ए स्टेप एस स्टूडेंट सेट अप फाइव डिशेस स्टूडेंट्स ने फाइव डिशेस सेट अप की ईच डिश वाज कवर्ड विद अ लिड विद सेवरल होल्स इन इट हर डिश को उन्होंने ऊपर से कवर कर दिया और ऊपर से जिस ढक्कन से उन्होंने कवर किया उस ढक्कन के अंदर बहुत ज्यादा होल्स मौजूद थे ताकि अंदर मौजूद ऑर्गेनिज्म को सांस आ सके। The third step is that dishes were put in a cool, dry place for several days. डिशेस को इसी तरह ऊपर से लिड रखकर इन five dishes को इन्होंने कुछ दिनों के लिए एक जगह पर रख दिया और वो जगह कैसी थी? That place was cool and dry. एक होशियार और ठंडी जगह पर उन्होंने जाकर इन dishes को रख दिया कुछ दिनों के लिए। उन्होंने ऑब्जर्व करना था कि आपस में ये ऑर्गेनिजम किस तरह से इंटरक्ट करेंगे अगर इन्हें आ, अगर इन्हें कम डिस्टेंस पर एक दूसरे के पास रख दिया जाए अब रिजल्ट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं जो पांच डिशेस मैंने आपको बताई वो पांच डिशेस हैं ये नंबर वन डिश में हमारे पास डेड लीफ और वुड लाउस मौजूद है दूसरी डिश में हमारे पास डेड लीफ के साथ सेंटीपीड मौजूद है और तीसरी डिश में हमारे पास डेड लीफ के साथ मिली मौजूद है लास्ट दो डिशेज में वुड लाउस के साथ सीपी मतलब सेंटीपीड और लास्ट वाली में एम पी मतलब मिलीपीड मौजूद है देखा कि क्या रिजल्ट्स थे तो हमें क्या पता चला नंबर वन डिश लीफ एंड वुड लाउस जब उन्होंने लीफ और वुड लाउस को कुछ दिनों बाद आकर ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता चला कि वुड लाउस वो स्टिल अलाइव जबकि जो हमारा डेड लीव था उसका कुछ हिस्सा खाया गया था तब उन्हें पता चला कि वुड लाउस जो है वो लीव के ऊपर सरवाइव कर सकता है वुड लाउस जो है एक्चुअली वुड में, ओल्ड वुड में मौजूद होता है इसका मतलब कि ये प्लांट खाने वाला ऑर्गेनिज्म है इस वुड लाउस ने आराम से लीव को खा लिया उस एरिया में जहां उसे कोई और खाने की चीज मुयसर नहीं थी उसने आराम से डेड लीव खाया और वो आराम से सरवाइव कर गया तो उनको मिला अलाइव वोरलॉस सेकंड डिस्ट जब उन्होंने खोली जिसमें डेड लीफ के साथ एक सेंटीपीड मौजूद था उन्होंने देखा कि सेंटीपीड सरवाइव नहीं कर सका मतलब सेंटीपीड भी डेड था और डेड लीफ बिल्कुल उसी तरह पड़ा हुआ था इससे हमें यह पता चला कि सेंटीपीड ने डेड लीफ को नहीं खाया सेंटीपीड लीफ के ऊपर सरवाइव नहीं कर सकता उन्होंने जब इसको ऑब्जर्व किया तो डेड सेंटीपीड और डेड लीफ उनको मिला आफ्टर अ फ्यू डेज थर्ड डिश में देखते हैं क्या हुआ के जब उन्होंने की, और जब के जो था वो थोड़ी सा पीड मतलब ने उसको खा लिया था बिल्कुल वुड लाउस की तरह मिली ने भी लीफ के ऊपर सरवाइव कर लिया जब उसको और कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो उसने ये डेड लीफ खा लिया और आराम से सरवाइव कर लिया इन फ्यू डेज में अब हमारे पास दो और डिशेस बच गई थी नंबर वन वॉज वुड नंबर वन वॉज वुड लाउस विदिपीड और लास्ट वाला था वुड लाउस मिलीपीड सेंटीपीड के साथ जब वुड लाउस इन्होंने रखा इनको पता चला कि सेंटीपीड जो है वो अलाइव था और सेंटीपीड ने वुड लाउस को थोड़ा सा खा लिया था इसका मतलब वुड लाउस वॉज डेड एंड सेंटीपीड वॉज अलाइव यहां हमें पता चला कि सेंटीपीड ने डेड लीफ नहीं खाना होता सेंटीपीड ने खाना होता है

ना मिलीपीड ने वुड लाउस को खाया दोनों के पास जब खुराक नहीं थी तो दोनों ही सरवाइव नहीं कर सके इस तरह आपको पता चला कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म दूसरे और्गेनिजम के ऊपर फीड करता है और किस तरह हमने पहले वुड को लीफ के साथ रखा फिर वुड को के साथ रखा और हमें पता चला कि वुड लाउस लीफ तो खाता है मगर वो बाकी ऑर्गेनिजम्स को नहीं खाता बिल्कुल इसके बरक्स सेंटीपीट को आपने देखा कि उसने लीफ नहीं खाया जबकि उसने दूसरे ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर हमें फर्क भी पता चला और रिलेशनशिप भी पता चला बिटवीन द फीडिंग प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम उम्मीद है कि आपको ये रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे आज के लिए इतना ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज